गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक कुमार सिंह। पिछले लेक्चर में आप लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़े थे, तो उसमें हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट फाइंड करने के बारे में सीखे थे। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे। तो आज हम लोग जो है उसी पे जो है कुछ आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे वो पहले फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसके बाद सेकेंड लेक्चर जो है आसानी से समझ में आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल्स टू 7 तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2e2 log k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो पहले इसको हम लोग जो है थोड़ा सिंपलेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2 और हम लोग जो है लॉगरिथमिक में जो है आर्गुमेंट पावर फार्मूला पढ़े थे कि लॉग के आर्गुमेंट के पावर में कोई नंबर रहता है तो उस नंबर से जो है लॉग में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कोई नंबर लॉग में मल्टीप्लाई रहता है तो उसको आर्गुमेंट के पावर में लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है लॉग में मल्टीप्लाई है तो इसको आर्गुमेंट के पावर में लिख देते हैं। अब देखिए एक और फार्मूला पढ़े थे कि बेस में a रहे, पावर में log रहे, उस log का बेस a रहे तो उसका वैल्यू जो होता है आर्गुमेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि बेस में e है, पावर में log है और उस log का बेस भी जो है e है तो इसका वैल्यू आर्गुमेंट के इक्वल हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट जो है इसका क्वेश्चन के अनुसार कितना गिवन है, 7 है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये गिवन है 7, तो ये 2k² = 8 तो k स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका 4, k का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2। अब देखिए तो यहाँ पे k का वैल्यू जो है 2 भी है और k का वैल्यू जो है माइनस 2 भी है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि log का आर्गुमेंट जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो log का आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव वाले को हटा देंगे, तो आपका आंसर आ गया k = 2, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट्स का डिफरेंस जो है रूट 5 से छोटा है तो ए का कितना पॉसिबल वैल्यू होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 = 0। तो यहाँ पे देखिएगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 रूट्स होगा, तो एक रूट्स को अल्फा मानते हैं तो सेकेंड रूट्स यहाँ पे बीटा है, तो इससे हम लोग जो है सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, तो सम ऑफ रूट्स माइनस ए आ जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स का डिफरेंस जो है रूट 5 से छोटा है, तो रूट्स का डिफरेंस बताए हैं कि अल्फा माइनस बीटा का मॉड जो है रूट 5 से छोटा है। अब हम लोग जानते हैं कि मॉड एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लेस देन रूट 5। अब देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ये फॉर्मूला होता है।
लेस देन रूट फाइव। अब यहाँ पे देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी गिवेन है और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू गिवेन है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम लोग जो है रख देते हैं माइनस ए और अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे वन, लेस देन रूट फाइव हो गया। तो ये ए स्क्वायर माइनस फोर लेस देन रूट फाइव हो गया। अब इसका बाबू हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग कीजिए, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस फोर लेस देन फाइव, ए स्क्वायर लेस देन आ जाएगा नाइन। अब इसको सोल्व करने के लिए दोनों साइड जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर लेस देन अंडर रूट नाइन, तो ये मॉड ए लेस देन थ्री आ जाएगा। तो ए का वैल्यू जो है माइनस थ्री और थ्री के बीच में आ जाएगा, तो ए बिलोंग्स टू माइनस थ्री से थ्री। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, तो यही आंसर हो गया आपका। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है टेन अल्फा और टेन बीटा है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है कॉट अल्फा और कॉट बीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है टेन अल्फा और टेन बीटा है, तो इसका एक रूट्स टेन अल्फा है और एक रूट्स टेन बीटा है। तो इससे हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं पहले। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा हो जाएगा पी, और टेन अल्फा इंटू टेन बीटा हो जाएगा आपका क्यू। अब नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इक्वल्स टू जीरो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है कॉट अल्फा और कॉट बीटा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है कॉट अल्फा और कॉट बीटा है। तो आर इंटू एस को जो है आर इंटू एस को फाइंड करना है किसके टर्म में, पी और क्यू के टर्म में। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा हो जाएगा आर। अब इससे जो है हम लोग कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा को टेन के टर्म में लिखते हैं, तो वन बाई टेन अल्फा प्लस वन बाई टेन बीटा इक्वल्स टू आर। इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल्स टू आर। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा का वैल्यू पी है और टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का वैल्यू क्यू है, तो ये हो जाएगा आपका पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब फिर यहाँ से हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाले हैं, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, तो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। इसको भी हम लोग जो है कॉट अल्फा और कॉट बीटा को टेन के रूप में लिखते हैं, तो वन बाई आ जाएगा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल्स टू एस। तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का वैल्यू क्या है क्यू है, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। और हमको फाइंड किसका वैल्यू करना है आर इंटू एस का, तो आर इंटू एस का वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आर इंटू एस इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू स्क्वायर, यही आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स जो है दूसरे रूट्स का जो है टू थर्ड है,
तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एम एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है दूसरे रूट्स का टू थर्ड है, तो एक रूट्स को हम लोग अल्फा मानेंगे तो दूसरा रूट्स क्या आ जाएगा, टू बाई थ्री अल्फा। अब इससे हम लोग सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा प्लस टू बाई थ्री अल्फा इक्वल्स टू टेन अपॉन एम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो जब तक हम लोग m का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे तब तक इसका जो है सम नहीं निकल सकता है। तो पहले हम लोग m का वैल्यू निकाल के और यहाँ पे रख देते हैं m का मान। अब इसी को सोल्व करते हैं, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 6 बाई m। समझने के लिए इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं, तो अल्फा का वैल्यू 6 बाई एम आ गया। अब यहाँ पे जो है एम का वैल्यू निकालना है तो अब क्या करते हैं कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं तो 2 अल्फा इंटू 2 बाई थ्री अल्फा इक्वल्स टू 3 अपॉन एम। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 9 बाई 2 एम। अब यहाँ से जो अल्फा का वैल्यू है इस अल्फा का वैल्यू को जो है यहाँ पे सब्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 बाई एम होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 बाई 2 एम। तो m का वैल्यू आ गया 8। मेरा तो टारगेट था कि m का वैल्यू निकालना, तो m का वैल्यू निकल के आ गया 8। अब यही m का वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो सम ऑफ रूट्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, तो अल्फा प्लस 2 बाई थ्री अल्फा इक्वल्स टू 10 बाई आ गया 8, तो ये आ गया 5 बाई 4 आंसर। तो सम ऑफ रूट्स कितना गया 5 बाई 4 आंसर। अब देखिए यहाँ पे इफ वन रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्यू ऑफ द अदर रूट्स देन ए वैल्यू ऑफ के, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है अल्फा लेंगे तो दूसरा रूट्स क्या आ जाएगा अल्फा क्यू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स जो है दूसरे रूट्स का क्या है क्यू है, तो एक रूट्स को हम लोग अगर अल्फा लेंगे तो सेकेंड रूट्स आ जाएगा अल्फा क्यू। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन रहे अगर इन्फॉर्मेशन पता नहीं रहे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स फाइंड कीजिए, तो अल्फा प्लस अल्फा क्यू आ जाएगा माइनस के अपॉन 81, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं तो अल्फा इंटू अल्फा क्यू इक्वल्स टू 256 अपॉन 81, अल्फा रेस टू द पावर 4 इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 का होल 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू फाइंड करते हैं तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 4 बाई 3। अब अल्फा का वैल्यू 4 लेते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 4 लेते हैं, तो अल्फा का वैल्यू जो है 4 बाई 3 है। इक्वेशन फर्स्ट से अल्फा के जगह पे 4 बाई 3 रखिए, 4 बाई 3 प्लस 4 बाई 3 का क्यूब इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 81, ये आ जाएगा 4 बाई 3 और प्लस 64 अपॉन 27 इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 81।
के का वैल्यू आ गया -300। तो यहाँ पे समझिएगा कि अल्फा का वैल्यू 4/3 लेने पे जो है के का वैल्यू -300 आ गया। अब फिर एक बार अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, -4/3 लेंगे। तो अब हम लोग अल्फा का वैल्यू जो है -4/3 लेंगे। तो अल्फा का वैल्यू जो है -4/3 लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट से -4/3 + -4/3³ = -k/81। -4/3 - 64/27 = -k/81। -100/27 = -k/81। यहाँ से सोल्व करने पे k का वैल्यू जो है 300 आएगा। तो k का वैल्यू जो है यहाँ पे -300 भी है और 300 भी है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, -300। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन जो है जेई मेन 2019 में पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है दूसरे रूट्स का ट्वाइस है, तो हमको जो है ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन इक्वेशन है यहाँ पे a² - 5a + 3x² + 3a - 1 × x + 2 = 0। तो इसका एक रूट्स अल्फा लेंगे तो दूसरा रूट्स क्या आ जाएगा, 2α। तो हम लोग सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस 2α हो जाएगा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ x² अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3α = -3a - 1/a² - 5a + 3। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा -3a - 1/3a² - 5a + 3। इसको हम लोग समझने के लिए इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। तो हम लोग सम ऑफ रूट से अल्फा का वैल्यू निकाल लिए, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कीजिए। तो अल्फा इंटू 2α = कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ x² अब यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो α² का वैल्यू आ गया 1/a² - 5a + 3। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो अल्फा का वैल्यू निकाले हैं उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा -3 × 3a - 1 अल्फा का वैल्यू यहाँ पे है -3a - 1/3a² - 5a + 3² = 1/a² - 5a + 3। इसी को हम लोग सोल्व करते हैं, 3a - 1 होल स्क्वायर अपॉन 9a² - 5a + 3 होल स्क्वायर = 1/a² - 5a + 3। ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, ये आ जाएगा 3a-1² = 9a² - 45a + 27, 9a² - 6a + 1 = 9a² - 45a + 27, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा 39a = 26, तो a = 26/39, ये 2/3, तो ए का वैल्यू आ गया आपका 2/3। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, तो ऑप्शन नंबर आ गया आंसर ए। यहाँ पे जो है पी और क्यू का वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4 है, और इसका निकालना है हमको नंबर ऑफ इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट्स जो है रियल है, तो रियल रूट्स के लिए हम लोग पहले फाइंड करेंगे डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो गिवन इक्वेशन है, अब इसमें जो है रूट्स क्या दिया हुआ है, रियल है, रूट्स आर रियल है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा q² - 4p = 0, तो q² = 4p। तो ये कंडीशन आ गया कि q² = 4p। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि p और q का वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, तो p का वैल्यू जो है पहले 1 लेते हैं, तो p बराबर 1 लीजिएगा तो q² = 4 आएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, p का वैल्यू 1 लिए तो q² = क्या आ गया, 4। अब यहाँ पे जो है q का वैल्यू जो है अगर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 जो होता है ना तो 4 की इक्वल होता है और ना ही 4 से बड़ा होता है, तो 1 तो होगा नहीं। 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर जो है 4 होगा, तो 4 4 से बड़ा नहीं होता है लेकिन 4 4 की इक्वल तो होता है, तो q का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब देखिए, तो 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 जो होता है 4 की इक्वल नहीं होता है लेकिन 4 से बड़ा होता है, तो 3 भी हो जाएगा। अब q के जगह पे 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 16 भी 4 की इक्वल नहीं होगा लेकिन 4 से बड़ा हो जाएगा, तो 4 भी हो जाएगा। अब देखिए, p का वैल्यू जो है 2 लेते हैं, तो p का वैल्यू 2 लेंगे तो q² = 8 आ जाएगा। अब देखिए, तो q² = 8 आ गया। अब q का वैल्यू 1 लीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 तो 8 के इक्वल नहीं होगा और ना ही 8 से बड़ा होगा। 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 भी जो होता है 8 के इक्वल नहीं होता है और ना ही 8 से बड़ा होता है, तो 2 भी नहीं होगा। अगर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 जो होता है 8 के इक्वल नहीं होता है लेकिन 8 से बड़ा होता है, तो q का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है, और 16 जो होगा 8 के इक्वल नहीं होगा लेकिन 8 से बड़ा होगा, तो इसका वैल्यू 4 भी हो जाएगा। अब p का वैल्यू 3 लेते हैं, तो p का वैल्यू 3 लेंगे तो q² = 12 आ जाएगा। अब देखिए, 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 तो होगा नहीं। 2 लेंगे तो 4 होगा, 3 लेंगे तो क्या जाएगा, 9 होगा, तो 9 भी नहीं होगा। अगर 4 ले लेते हैं तो 4 जो होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 जो होगा 12 के इक्वल नहीं होता है लेकिन 12 से बड़ा होता है, तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब p का वैल्यू जो है 4 लेते हैं तो q² = 16 आ जाएगा। अब देखिए, 1 लेंगे तो नहीं होगा, 2 भी नहीं सेटिस्फाइड करेगा, 3 भी नहीं करेगा। अगर 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 16 जो होता है 16 से बड़ा नहीं होता है लेकिन 16 के इक्वल तो होगा, तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इक्वेशन, तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है काउंट कर लीजिए, 3, 2, 5, 6 और 7,
तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 7 आंसर, आंसर आ गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² - 11x + α = 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, रेशनल है। तो रेशनल रूट्स के लिए क्या बताना है कि d जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए रूट्स क्या है, रूट्स रेशनल है तो d मस्ट भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो d परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे जो है d निकालिए तो b स्क्वायर और -4ac, और परफेक्ट स्क्वायर को जो है समझने के लिए कॉन्स्टेंट का स्क्वायर कर देते हैं। सपोज कीजिए कि k स्क्वायर है तो 121 - 24α = k² है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इसका रूट्स जो है रेशनल है। तो रेशनल रूट्स के लिए हम लोग जानते हैं कि d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो d परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब अल्फा का वैल्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ अल्फा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ अल्फा का मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर रखिए और देखिए कि परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे समझने के लिए नेचुरल नंबर में अल्फा के जगह पे 1 लेते हैं, तो अल्फा के जगह पे 1 लीजिएगा तो 121 - 24 = k². इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 97 = k². तो 97 जो है तो k² है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो अल्फा का वैल्यू 1 नहीं होगा। अब अल्फा का वैल्यू 2 लीजिए, तो अल्फा का वैल्यू 2 लेंगे तो 121 - 48 = k². अब ये आ जाएगा 73 k². तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अल्फा का वैल्यू 2 भी नहीं होगा। अब अल्फा का वैल्यू 3 लेते हैं, तो अल्फा का वैल्यू 3 लेंगे तो 121 - आ जाएगा 72 = k². अब यहाँ देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये कितना जाएगा 49, तो 49 = k². तो ये तो 7 का स्क्वायर है, तो यानी कि ये होगा अल्फा का वैल्यू 3 होगा। अब 4 लेते हैं, अल्फा = 4 लीजिएगा तो 121 - आ जाएगा 96 = k². तो ये आ जाएगा आपका 25 = k². तो ये भी तो 5 का स्क्वायर है, यानी कि अल्फा का वैल्यू 4 भी होगा। अब अल्फा के जगह पे 5 लेते हैं तो 121 - 120 = k². 1 = k², तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब अल्फा का वैल्यू जो है अगर 6 लेते हैं तो निगेटिव आ जाएगा, तो आगे नहीं लेना है। अब काउंट कर लीजिए कि 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा, तो 1, 2, 3, तो ऑप्शन नंबर कितना गया 3, आंसर हो गया इसका ए। ये भी क्वेश्चन आपका जेई का पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ लेमडा बी द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। जैसे यहाँ देखिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ क्वेश्चन में ही दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का रेशियो जो है वो लेमडा है।
और उसके बाद जो है द लीस्ट वैल्यू ऑफ एम, तो एम का जो है लीस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है और वो वैल्यू निकालने के लिए जो है आपका कंडीशन दिया हुआ है कि लेमडा प्लस वन बाई लेमडा इक्वल्स टू वन। तो सबसे पहले जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है थ्री एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम इंटू एम माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट्स जो है दो रूट्स होगा, एक रूट्स अल्फा है और दूसरा रूट्स बीटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस एम इंटू एम माइनस फोर अपॉन थ्री एम स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा टू अपॉन थ्री एम स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड कर लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और लेमडा जो है रूट्स का क्या है रेशियो है। तो लेमडा इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा, ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि लेमडा जो है रूट्स का रेशियो है। तो लेमडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अल्फा बाई बीटा। और इसको फाइंड करने के लिए ये कंडीशन दिया हुआ है कि लेमडा प्लस वन बाई लेमडा इक्वल्स टू वन। तो लेमडा प्लस वन बाई लेमडा इक्वल्स टू वन है तो लेमडा का वैल्यू हो गया अल्फा बाई बीटा, और वन बाई लेमडा है तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए बीटा बाई अल्फा इक्वल्स टू वन। अब इसी को हम लोग सोल्व करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू वन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा भी हमको पता है और अल्फा इंटू बीटा भी पता है, तो अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे माइनस एम इंटू एम माइनस फोर अपन थ्री एम स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है टू अपॉन थ्री एम स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया एम स्क्वायर एम माइनस फोर होल स्क्वायर अपॉन नाइन एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इक्वल्स टू टू अपॉन एम स्क्वायर, ये एम स्क्वायर से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो गया, एम माइनस फोर होल स्क्वायर इक्वल्स टू एटी, एम स्क्वायर माइनस एट एम प्लस सिक्सटीन माइनस एटीन इक्वल्स टू जीरो, एम स्क्वायर माइनस एट एम माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला बताए हैं, एम का वैल्यू आ जाएगा एट प्लस माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एट अपॉन टू, तो एम का वैल्यू आ जाएगा एट प्लस माइनस सेवेंटी टू अपॉन टू। इक्वल्स टू एट प्लस माइनस ये आ जाएगा सिक्स रूट टू अपॉन टू, अब टू से डिवाइड कर दीजिए तो फोर प्लस माइनस थ्री रूट टू, तो एम का वैल्यू आ गया फोर प्लस थ्री रूट टू और फोर माइनस थ्री रूट टू। एम का दो वैल्यू आया, एक फोर प्लस थ्री रूट टू और दूसरा वैल्यू आया फोर माइनस थ्री रूट टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एम, तो लीस्ट वैल्यू तो ये तो सबको पता है कि 4 प्लस थ्री रूट टू से छोटा 4 माइनस थ्री रूट टू होगा, तो एम का लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा
m इक्वल्स टू 4 माइनस 3 रूट 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी नंबर। ये भी क्वेश्चन आपका जेई का पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल होता है, बस क्वेश्चन को आपको जो है पढ़ना है और स्टार्ट कहाँ से करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन रहे क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे देखिएगा कि पी क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर है और 2 माइनस रूट 3 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है 2 माइनस रूट 3 है। तो बताए थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है m प्लस अंडर रूट n रहे तो इसका अदर रूट्स m माइनस अंडर रूट n होता है, या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स m माइनस अंडर रूट n रहे तो उसका अदर रूट जो होता है m प्लस अंडर रूट n होता है। तो 2 माइनस रूट 3 है तो इसका अदर रूट्स हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है तो यहाँ पे देखिए अब ये दोनों से जो है सम ऑफ रूट्स फाइंड कीजिए। तो सम ऑफ रूट्स 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू माइनस पी। ये से ये टर्म कैंसिल हो गया तो पी का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 4। ये पी का वैल्यू आ गया। अब क्यू का वैल्यू निकालेंगे यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो क्यू का वैल्यू निकल जाएगा 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू क्यू। ये 4 माइनस 3 इक्वल्स टू क्यू। तो क्यू का वैल्यू क्या आ गया? 1। अब यहाँ पे समझिएगा कि पी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए और Q का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बाई ऑप्शन चेक करेंगे, P और Q का जो वैल्यू इस ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर देगा वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, समझने के लिए यहाँ पे लिख के समझाते हैं कि Q के जगह पे 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 14। तो ये आ जाएगा 115 माइनस 16। तो 15 माइनस 16 जीरो होगा तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी को चेक कर लीजिए तो क्यू का स्क्वायर तो क्यू 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस प्लस 16 माइनस 12 तो 70 माइनस 12 का भी जीरो नहीं आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू जो है माइनस 4 है तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना जाएगा? 16 और माइनस 4 इंटू 1 और माइनस 12 तो ये आ जाएगा 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0 यानी कि ये ऑप्शन जो है मेरा सही है। जब ये ऑप्शन सही है तो इसको चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत ही होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि m इज चूजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आपका गिवन है और सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट देन एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट्स इज क्या होगा। मतलब m का वैल्यू आपको बताना है तो इसके लिए आपको जो जो कंडीशन दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन है m स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे समझिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दो रूट्स होगा, तो एक रूट्स अल्फा है और दूसरा रूट्स इसका बीटा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है हम लोग पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3 बाई
एम स्क्वायर प्लस वन। अब क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ इट्स रूट इज ग्रेटेस्ट, मतलब रूट्स का सम जो है ग्रेटेस्ट कब होगा। तो इसके लिए समझिएगा कि अल्फा प्लस बीटा, ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा मैक्सिमम होगा कब, जब ये डिनोमिनेटर इसका मिनिमम होगा। जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ एम स्क्वायर प्लस वन है, मतलब इसको समझने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है एम स्क्वायर प्लस क्या है, वन है, तो एम स्क्वायर प्लस वन है तो किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, तो मिनिमम वैल्यू एम स्क्वायर का क्या लेंगे, जीरो, तो एम बराबर ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए ये मैक्सिमम होगा, इसका मतलब एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन वन, यानी कि थ्री, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, थ्री। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा, एम का वैल्यू क्या है, जीरो, तो जीरो यहाँ रख दीजिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया, वन आ गया। अब हम लोग सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लीजिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या है कि डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स रूट इज, मतलब क्यूब का जो है रूट्स का डिफरेंस क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पे जो है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मॉड हमको फाइंड करना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला से इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसी को जो है सोल्व करना है, इसी को सोल्व करना है, तो इसको हम लोग जो है मॉड एक मॉड एक्स को क्या लिखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू पता है, इसी को जो है हम लोग वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, थ्री, तो वहाँ पे थ्री रख दीजिए, तो थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू वन है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि थ्री का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा तो वन है, ये नाइन माइनस फोर इंटू मोड एट, तो ये रूट फाइव इंटू एट, तो ये आ गया आपका एट रूट एट इंटू रूट फाइव, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी। ये भी क्वेश्चन आपका जेई का पूछा हुआ है, ये भी आपका जेई मेन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स जो है दूसरे रूट्स का डबल है, तो एम का जो है मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे एल माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स जो है दूसरे रूट्स का डबल है, तो एक रूट्स को हम लोग अल्फा मानेंगे तो सेकेंड रूट्स क्या आ जाएगा, टू अल्फा,
अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस टू अल्फा इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन एल माइनस एम, थ्री अल्फा इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन एल माइनस एम। यहाँ से अल्फा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा एल अपॉन थ्री इंटू एल माइनस एम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। तो सम ऑफ रूट्स से हम लोग जो है अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम लोग जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो अल्फा इंटू टू अल्फा इक्वल्स टू वन अपॉन एल माइनस एम। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ गया वन अपॉन टू इंटू एल माइनस एम। अब यहाँ जो अल्फा का वैल्यू है इसको यहाँ पे सब्टीट्यूट कर दीजिए। तो इस अल्फा का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं माइनस एल अपॉन थ्री एल माइनस एम का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन टू इंटू एल माइनस एम। एल स्क्वायर अपॉन नाइन इंटू एल माइनस एम का स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन टू इंटू एल माइनस एम। ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया टू एल स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन एल माइनस नाइन एम। टू एल स्क्वायर माइनस नाइन एल प्लस नाइन एम इक्वल्स टू जीरो। अब इससे जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एल का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए नाइन प्लस माइनस एट्टी वन माइनस फोर ए सी, अपॉन टू। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट का वैल्यू या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, 81 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 72 एम होगा। सेवेंटी टू एम इज लेस देन इक्वल्स टू 81 होगा, डिवाइड कर दीजिए तो m इज लेस देन इक्वल्स टू 9/8 हो जाएगा। अब m का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, तो m का वैल्यू जो है या तो 9/8 है या 9/8 से छोटा है। तो m का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 9/8, यानी कि करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन और कुछ देखेंगे, उसके बाद साइमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे।